इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन आमतौर पर 31 जुलाई होती है। कई लोग आखिरी वक्त में रिटर्न फाइल करते हैं, जबकि कुछ पहले ही रिटर्न फाइल कर फ्री हो जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है, खासकर नौकरी करने वाले लोग चाहकर भी बहुत पहले रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसकी वजह है कि ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। एम्प्लॉयर और बैंकों की तरफ से TDS पेमेंट 30 अप्रैल तक किया जाएगा, उसके बाद ही कंपनियां अपने एम्प्लॉयर को TDS जारी करती हैं। टैक्स कंसल्टेंसी फर्म टैक्स बीरबल के डायरेक्टर चेतन चंडाक ने कहा, कंपनियां और बैंक 31 मई के बाद ही फॉर्म 16 और TDS सर्टिफिकेट्स जारी करना शुरू करेंगी। इसके बाद ही सैलरीड इंडिविजुअल्स और फिक्स्ड डिपॉजिट से इनकम हासिल करने वाले लोग ITR फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर सकेंगे। फॉर्म 16 सैलरी पर काटे गए TDS का सर्टिफिकेट होता है। हर कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉयज को ये सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने अपनी ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम, डिडक्शन और एग्जम्पशन का कैलकुलेशन कर लिया है तो भी आपको फॉर्म 16 मिलने का इंतजार करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आपके ITR में किसी तरह की गड़बड़ी या मिसमैच होने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। नियमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव ने कहा, बाद में किसी तरह की दिक्कत से बचने के लिए आपको फॉर्म 16 मिलने का इंतजार कर लेना चाहिए। चंडाक ने कहा, जब तक डिडक्टर एंटिटी TDS रिटर्न फाइल नहीं कर देती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ ही लोग अप्रैल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनमें ऐसे NRI शामिल हैं जिनका इंडिया में इनकम का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेडलाइन यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसकी वजह ये है कि डेडलाइन के करीब ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिससे ट्रैफिक बढ़ने से टेक्निकल दिक्कतें आती हैं। दूसरा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न जितना जल्द प्रोसेस होगा, आपको उतना जल्द रिफंड मिलेगा, इससे आपका पैसा ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं रहेगा। We'll be right back.